किराना व्यापारी कैसे अपनी दुकान को पूरे मोहल्ले में मशहूर करें। किराना दुकान को फेमस करने के टिप्स एंड ट्रिक्स। हर व्यापारी चाहता है कि उसका बिजनेस चारों तरफ फैल जाए, सभी लोग उसके बिजनेस को जानने लगे, इसलिए वो हर तरह की तरकीबें निकालता है और उसे अप्लाई करता है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपकी दुकान पूरे मोहल्ले में यानी कि एरिया में फेमस हो जाएगी। सभी लोग आपकी दुकान से सामान खरीदना पसंद करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो टिप्स। अपनी दुकान का नाम बदलें। बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या टिप हुई। तो आपको बता दें कि कुछ ऐसी दुकानें या स्टोर जो रातों रात नाम कमा लेते हैं या यूं कहें कि जिनका नाम जल्दी से जबान पर चढ़ जाता है, वो बेहद साधारण से होते हैं और आसान होते हैं जो फेमस भी हुए हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो बाबा का ढाबा, बाबू बनारसी पान वाला, काका का किराना आदि। तो कुछ इस तरह के नाम जो लोगों को जल्दी याद हो जाते हैं और लोग दूसरों को भी बताते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। छोटी जगहों पर या छोटी दुकान वाले अक्सर ये गलती करते हैं कि वो अपनी दुकान का नाम ही नहीं रखते, तो लोग उनकी दुकान को फलाने चाचा, नुक्कड़ वाली शॉप आदि कहकर पुकारते हैं। इसलिए आवश्यक है कि कोई बढ़िया सा नाम रखे जिससे आपकी शॉप की पहचान हो। एडवर्टाइज एंड प्रमोशन। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि लोग आपके बिजनेस को जानने लगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी दुकान का प्रमोशन करें, जगह जगह पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, माउथ पब्लिसिटी करें। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माउथ पब्लिसिटी कैसे करें वीडियो लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। डिस्काउंट एंड कूपन्स की हेल्प लें। अधिकतर लोग अच्छी ऑफर की तरफ आकर्षित होते हैं। यदि आप भी त्योहारों या अन्य दिनों में कोई अच्छा डिस्काउंट या कूपन्स देते हैं ना, तो ग्राहक आपकी दुकान की ओर आकर्षित होंगे। होने वाले घाटे की स्ट्रेटजी बनाएं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो कमियों से या नाकामियों से सीख लेता है और आगे बढ़ता है। आपको भी अपने बिजनेस में होने वाले घाटों से सीखना है और उसका तोड़ निकालना है। इसके लिए आप बारीकी से नजर रखें और अपने काम में दिलचस्पी लें। रिसर्च करें। स्टोर के स्टॉक को मैनेज करें। स्टॉक के आइटम्स को अच्छे से मैनेज करें। कई बार ऐसा होता है कि दुकान का सामान उल्टा सीधा रखा होता है, सामान रखा रखा एक्सपायर हो जाता है या फिर उन्हें चूहे और कीड़े खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। और ग्राहक जब आपके स्टॉक को उथल पुथल देखता है तो वो भी निराश होता है और बिना कुछ लिए ही चला जाता है। ऐसे में आपको अपनी दुकान की सबसे पहले अच्छे से सफाई करवानी है, फिर स्टॉक को मैनेज करने के लिए शेल्फ बनवाने हैं। सामान ऐसे रखना है जो ग्राहक की नजर में सीधे आए, जैसे यदि वो एक सामान खरीदने आया है तो वो एक जगह की जगह कई सामान लेकर जाए। तो ये है वो टिप्स जो किसी भी दुकान को कामयाब बना सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी दुकान अपने एरिया की नंबर 1 बन जाए, तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।